हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 3.2 क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो इन 3.2 यू नो, इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं कि ये क्वाड्रेंट की बात करते हैं। सबसे पहले ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस इज सेकेंड, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ। देखिएगा यहाँ पर ये समझने की ट्राई करिएगा कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें आपको पता है सब प्लस होता है ऑल। इसके अंदर साइन थीटा एंड कोसेक थीटा प्लस होता है और इसके अंदर टेन एंड कॉट प्लस होते हैं, इसके अंदर सेक एंड कोस प्लस होते हैं। ठीक है, अब थोड़ा समझते हैं इस बात को कि क्या क्या है ये। अच्छा, दूसरी चीज़ एक थोड़ा जो याद करनी है आपको कि जब भी आपको 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा करना है या 270 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा, इसको अगर मैं रेडियन में लिखूंगा तो ये पाई बाई टू प्लस थीटा और ये हो जाएगा आपका पाई बाई टू माइनस थीटा। दिस इज 3 पाई बाई टू प्लस थीटा और ये बन जाता है आपका 3 पाई बाई टू माइनस थीटा। मतलब पाई बाई टू के मल्टीपल में कुछ ऐसा अगर मिलता है तो जो साइन है इसको भी ध्यान रखें कि जो साइन थीटा है वो कोस थीटा में और कोस थीटा साइन थीटा में चेंज होता है, टेन थीटा कोट थीटा में चेंज हो जाएगा, कोट थीटा टेन थीटा में चेंज होगा, सेक थीटा कोसेक थीटा में चेंज होगा एंड कोसेक थीटा सेक थीटा में चेंज होगा। ठीक है, एक तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। दूसरा, कहाँ चेंज नहीं होता है, जब भी आपको 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा राइट 360 प्लस थीटा, कभी कभी इसको 360 माइनस थीटा, इसको कभी कभी माइनस थीटा के नाम से बोल सकते हैं और जब ये केसेस आते हैं तो नो चेंज। देखिए ये चीज चेंज हो रही है साइन, ये जो 90 है या 270 है ये साइन को कोस में, टेन को कोट में और सेक को कोसेक में लगता है, बट ये वाला जो रूल है ये हर जगह एप्लीकेबल है, चाहे वो 90 का केस हो, 270 हो, 180 हो या 360। कौन सा केस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर पॉजिटिव रहना है, यहाँ पर साइन और कोसेक पॉजिटिव रहना है और यहाँ पर टेन कोट और यहाँ पर सेक और कोस, ये बिल्कुल फिक्स है, ये यूनिफॉर्म रूल है। अब ये मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ, मैं इसमें अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा एंट्री करेंगे। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ आपका कि साइन 5π/3 की वैल्यू आपको लेना, ऐसे सोच। ठीक है, अब यहाँ से अगर साइन 5π/3 की वैल्यू की बात करते हैं तो अगर मैं इसको नॉर्मली समझने की कोशिश करता हूँ, इसको अगर मैं डिग्री में चेंज करूँ अपने समझने के लिए, तो मैंने बताया था 180 और ये 3, पाई और 180 डिग्री दोनों इक्वली है, यहाँ ये रेडियन में बात कर रहा है, ये हमने डिग्री में कर दिया तो ये कितना आ जाता है, देखो जरा 300 है, मतलब ये एक्चुअली एंगल 300। तो कुल मिलाकर मैं अगर इसको बात करता हूँ तो मैं इसको 2π माइनस, देखिए 2π मीन्स 360 माइनस 30 कर दो मतलब पाई बाई 6, तो भी ये मेरे पास वही वैल्यू देनी चाहिए राइट। अब आपको चेक करना है कि आपको वही वैल्यू मिल रही है आपको, क्योंकि 360 माइनस 60 आएगा, सो इट विल बी 360 माइनस 60, तभी तो 300 होगा। इसका मतलब है टू, ये हो गया 2π और ये हो जाएगा पाई बाई 3। मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है कि कौन कौन सी वैल्यूज हमें रेडियन में पता है, हम हर वैल्यू को रेडियन में चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमने कुछ ऐसी वैल्यूज है जो याद है, कौन कौन सी है, 30 है, 60 है, 90 है, 180 है राइट, 360 है, मतलब ये वाली वैल्यूज में अगर हम रखते हैं तो हम ये वाले रूल को अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए हमारा जो कोशिश होगा वो यही होगा कि ये वाला जो पार्ट है, अगर मैं 5π/3 की बात करता हूँ तो ये अननोन एंगल टाइप आ गया, तो हमें ये चेक करना है कि एक्चुअली में एंगल क्या है और इसको अगर मुझे पाई की फॉर्म में या पाई बाई टू की फॉर्म में रखना हो तो मैं कैसे रखूँ। ठीक है, तो ये इसका वे था। अब यहाँ देखिए जरा, ये 2π माइनस थीटा होगा, जैसे ही 2π की तरफ आपका ध्यान गया, साइन हमें यहाँ देख लीजिए एक बार, साइन 2π माइनस पाई बाई 3, आप ये सोचो कि ये साइन 2π माइनस थीटा है। 2π का मतलब क्या कि यहाँ से गया ऐसे राइट, बट 2π तक पहुंच नहीं पाया,
कहाँ तक, यहाँ रह गया, मीन्स 300 एंगल कंप्लीट करना है, तो इट मीन्स वो फोर्थ क्वाड्रेंट में कहीं ना कहीं लाई करेगा, पहली बात तो ये। दूसरा आपने 2π के फॉर्म में चेंज किया है, और 180 और 2π के फॉर्म में आपको पता है साइन साइन ही रहता है, तो इसका मतलब है जो 2π माइनस थीटा है वो थीटा बन जाएगा। बट अब आपको ये चेक करना है वो माइनस में रिजल्ट आएगा प्लस में, वो आपको चेक करना है फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो प्लस होती हैं या जो माइनस होती है। सिर्फ यहाँ पर कोस और सेक है जो प्लस होता है, बाकी सब माइनस होता है, तो आप यहाँ माइनस लगा देंगे आपका आंसर आपके साथ। तो क्वाड्रेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जो हम यहाँ पर फॉलो करेंगे, राइट। ये चीज होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा, उससे आपको और इसमें क्लैरिटी मिलेगी। सपोज मैं एक कोई बड़ा सा एंगल ले लेता हूँ, राइट, मैं एक्सरसाइज के कुछ ले लेता हूँ, साइन एक दे रखा है 765 डिग्री, इसको देख लेते हैं। अब साइन 765 डिग्री की बात करें तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 360 या 90 के फॉर्म में, 360 इंटू 2 करता हूँ तो कितना आ जाता है, देखिए जरा, ये 360 इंटू 2 720 हो जाता है, सिर्फ क्या और ऐड होने के लिए रह गया 45, मतलब मैं ये लिख सकता हूँ। क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे 45 डिग्री भी मेरे लिए नॉन है और मेरे लिए 360 डिग्री भी नॉन है। बेनिफिट क्या हुआ, बेनिफिट ये हुआ कि ये इसका मतलब है 360 मतलब 2π मीन्स 4π वी कैन से प्लस पाई बाय 4, इसका ये रेडियन फॉर्म हो गया। रेडियन फॉर्म हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, बिल्कुल याद कर लो कि रेडियन का वैल्यू क्या क्या है, आपको पता होना चाहिए कि 360 है इसको 2π लिख सकते हैं, राइट। अगर 30 डिग्री है तो इसको पाई बाय 6 लिख सकते हैं, 60 डिग्री है पाई बाय 3 लिख सकते हैं, 90 डिग्री है पाई बाय 2 लिख सकते हैं, ये पता होना चाहिए, 45 डिग्री है पाई बाय 4 लिख सकते हैं, लेट अस राइट, ये पता होने बहुत जरूरी है। 180 डिग्री है 2π लिख सकते हैं, राइट, ओ सॉरी पाई। नाउ यू कैन सी, अगर मैं इसको क्वाड्रेंट में चेक करूं तो ये क्या कहता है, 360 के दो राउंड मतलब पाई के चार राउंड, एक पाई, दो पाई, तीन पाई और ये चार पाई, मतलब यहाँ आ गए दो राउंड पूरी तरह से कंप्लीट हो गए। अब ये कहाँ गया, अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है, ठीक है। और आपको पता है जो पाई प्लस थीटा हो, चाहे वो कोई किसी भी मल्टीपल में हो, पाई प्लस थीटा हो या 360 प्लस थीटा हो, माइनस थीटा हो, 180 प्लस थीटा हो, 180 माइनस थीटा हो, सब क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि साइन प्लस मीन्स ये हट जाएगा और साइन पाई बाई 4 ही रहेगा, और साइन कोसेक में साइन कोस में चेंज नहीं हो सकता क्योंकि 90 का केस नहीं बनता, ये 90 होना जरूरी था, पाई बाई 2 होना चाहिए। अब ये देखिए, अब साइन पाई बाई 4, अब ये देखना है ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, अभी कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट है, फर्स्ट में क्या होता है, सब पॉजिटिव होता है और, तो इट मीन्स ये पॉजिटिव रहेगा, और साइन पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, 1/4। तो इस तरह से हम यूज कर पा रहे हैं, ओके। अगर मैं इसको किसी और फॉर्म में रखूं, बाय द वे, और कोई फॉर्म मींस कि सपोज आई एम सेइंग कि मुझे 180 के थ्रू करना है या पाई बाई 2 के अकॉर्डिंग करना है, पाई बाई 2 के अकॉर्डिंग करने बैठोगे तो बहुत लेंथी हो जाता है, बट हम कर सकते हैं। अगर मुझे पाई बाई 2 करना है मींस 90, तो 90 इंटू कितना, 8 टाइम्स, तब ये आ जाएगा तुम्हारा 720 और प्लस 45, ये आ गया। अब ये देखना जरा, 90 इंटू मतलब 8 इंटू पाई बाई 2, 8 पाई बाई 2 प्लस 45 मतलब पाई बाई 4। अब ये देखें, फिर समझने की कोशिश करेंगे यहाँ क्या निकलता है, 8 पाई बाई 2 का मतलब क्या, 8 बार 90 राउंड्स का मतलब है कि वो अल्टीमेटली फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आता है, ठीक है। तो लेकिन साइन से क्या होगा, साइन कोस में चेंज जाएगा बिकॉज ऑफ दिस पाई बाई 4, और रह क्या जाएगा, ये वैल्यू तो एलिमिनेट हो जाती है, और कोस पाई बाई 4 की वैल्यू क्या, अल्टीमेटली आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये इन क्वेश्चंस की खासियत है कि आपको ये क्वाड्रेंट का रूल भी फॉलो करना है, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि कहाँ पर साइन कोस में चेंज होगा और कहाँ पर चेंज नहीं होगा, बिल्कुल दिमाग में इसको सेट कर, राइट। अब आ जाते हैं सीधा एक्सरसाइज 3.2 पर,
अगर उसका क्वेश्चन नंबर वन देखें, देखिए स्टूडेंट्स इसको कहीं ना कहीं हम थोड़ा बहुत कनेक्ट कर सकते हैं अपनी टेंथ क्लास से। कैसे? जब हम टेंथ क्लास में करते थे तो यहाँ पर भी वही बात है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं और एक रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। बट वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर एक ही क्वाड्रेंट की बात होती थी, फर्स्ट क्वाड्रेंट की, क्योंकि सारी वैल्यूज प्लस ही थी, ये वाली जानकारी नहीं थी। तो अगर अब इसने क्या बोला, समझना बात को, इसने बोला है जो ये एक्स है, जो डोमेन है, ये जो डोमेन है ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई जा रहा है, तो ये एंगल होगा, यू डोंट नो व्हाट इज दैट, बट वो लाई कर रहा है, तो इट मींस यहां पर टेन एंड कोट ये कंफर्म हो गया कि इस एंगल के जो ये एक्स है, इस एंगल के टेन और जो कोट होंगे वो प्लस होंगे, बाकी सब माइनस होंगे, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर सारे ऑल होते हैं, दिस वन इज साइन एंड कोसेक एंड दिस इज टेन एंड कोट एंड दिस इज कोस एंड सेक, राइट। तो अब हमारे लिए ये एक खबर तो मिलेगी, जानकारी हो गई है। दूसरी चीज पे आते हैं, अगर मुझे, अगर मैं फिलहाल थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाता हूँ, मेरा टारगेट है कि मैं सारे रेशियोज निकालूं और बाद में उनके साइन अकॉर्डिंग टू दिस पुट कर देता हूं, तो मुझे अगर साइन निकालना होगा, साइन कैसे निकलेगा, अंडर रूट वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स, याद होगा आपको एक आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटीज मैं एक और बार लिख देता हूँ यहाँ पर, एक होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, और वन प्लस कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, जो भी है थीटा दो एक्स तो बात एक ही है, नहीं राइट। नाउ अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखो जरा, वन माइनस कोस की वैल्यू पुट करेंगे वन अपॉन फोर हो जाएगी, और जब यहाँ से देखेंगे तो ये रूट थ्री बाय टू आपको देगा साइन एक्स की। बट क्या ये वैल्यू ठीक है? नहीं है, क्योंकि माइनस थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है और थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है साइन माइनस होता है। अब आया था टेन, टेन एक्स क्या होगा, टेन एक्स आपको पता है साइन एक्स अपॉन कोस एक्स होता है। अब साइन एक्स कितना है, साइन एक्स है माइनस थ्री बाई टू, रूट थ्री बाई टू एंड माइनस वन बाई टू, आपको पता लगा माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, सिर्फ रूट थ्री रह गया, इसीलिए ये पॉजिटिव आता है, क्योंकि यहाँ पर साइन और कोस दोनों नेगेटिव है, जिसकी वजह से टेन पॉजिटिव और कोट पॉजिटिव है, राइट। नेक्स्ट पे आते हैं, टेन के साथ कोट भी निकल जाएगा आपका, कोट एक्स क्या होता है, जस्ट ऑपोजिट वन अपॉन रूट थ्री। फिर हम सेक की बात करते हैं, सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स होता है वन अपॉन कोस एक्स, और कोस क्या है माइनस वन अपॉन टू, वन अपॉन माइनस वन अपॉन टू इट मीन्स कितना आ गया माइनस टू, तो ये माइनस हो जाता है, क्यों, क्योंकि कोस माइनस होता है। देखिए कितना रिलेशन है, सिर्फ एक वैल्यू से इवन यू कैन डिसाइड कि वो साइंस भी क्या क्या होंगे, राइट। तो कोस अगर माइनस है तो आपको पता है सेक भी माइनस होगा, और साइन अगर माइनस है तो कोसेक भी माइनस होगा। इस तरह से आप जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो निकाल सकते हैं, कीपिंग इन माइंड दैट वेयर दिस एक्स लाइज, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए लाना है कि एक्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, राइट। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसका, और आई थिंक इसमें फाइव क्वेश्चन हैं इसमें एक्सरसाइज में, तो टू क्वेश्चन आई एम डूइंग और बाकी थ्री सम्स एक बार आप जरूर ट्राई करें, डेफिनेटली यू कैन डू इट। देखिए sec x इज इक्वल टू 13 अपॉन 5 दिया होगा, राइट। अब वो कहता है x lies इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, अब हमें क्लियर हो गया कि फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो तुरंत आपको पता लग जाना चाहिए कि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या चीज प्लस और माइनस होती है, cos एंड sec, ये पॉजिटिव होगा बाकी सब नेगेटिव। तो हमारा टारगेट क्या है, sec से, sec से पहले सबसे पहले cos x निकालना आई थिंक ज्यादा इजी रहेगा, उल्टा कर दो, राइट, और दोनों पॉजिटिव ही होते हैं तो क्लियर है। उसके बाद आप साइन निकाल सकते हो, साइन एक्स क्या होगा, वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स, कितना आ जाता है 169 माइनस 125 और ये 13 स्क्वायर, राइट, और ये कितना आ गया आपका 144 अपॉन 13 स्क्वायर, ये आ जाता है 12 अपॉन 13। अब जैसे ये 12 अपॉन 13 आया तुरंत आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि ये माइनस ही आएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट की बात है, राइट। नाउ यू कैन फाइंड टेन एक्स, टेन एक्स में आपको सिंपल सा फंडा लगेगा, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस 12 अपॉन 13 एंड 5 अपॉन 13, सो इट विल बी 12 अपॉन
अब जैसे ही आपने 12 अपॉन एक्स निकाल दिया, तुरंत आप कोट एक्स भी निकाल सकते हो, जस्ट ऑपोजिट ऑफ दिस 10 ये निकल गया। इसके बाद हमारा कोसेक, कोसेक इज व्हाट, कोसेक इज द ऑपोजिट, ऑपोजिट ऑफ व्हाट, साइन, सो व्हाट इट विल बी, -13 अपॉन 12। इस तरह से आप सारे रेशियोज निकाल सकते हो। बस मैं बार बार वही बोल रहा हूँ कि आपको ध्यान रखना है x जो डोमेन है, वेयर इट लाइज, इन विच क्वाड्रेंट।